आप खान बाबा की मिसिज हैं, खान बाबा रेस्टोरेंट का पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में नाम है और इसके खाने पाकिस्तान में और लाहौर की एक पहचान है, तो आपने खान बाबा को खान बाबा बनाने वाली सुनाए आप हैं, तो ये खाने आप किस तरह तैयार करती थी, ये खाने भी आप बनाती? आप सारा कुछ बना दी सर, आप ही सारा कुछ बना दी था। तो अब भी आप जाके कुछ चेक करते हैं? हैं? अभी चेक करती हैं आप जाके अपने खाने जो बने बनाते हैं ये लोग? हाँ नहीं, वो भी चेक कर लेंगे सही है, वो भी चेक कर लेंगे। तो इसका आगाज कैसे किया था खाना, ये खाना बनाने का आगाज कैसे किया था? हाँ पुत्र पुत्र सारा कुछ ये करके ना, तो फिर आप ही करके बना के दें दी सा। आप क्या बना रहे हैं? ये सर चने की दाल बन रही है। इस दाल को पहले हम सुबह सुबह आके धोते हैं, धोने के बाद इसको फिर इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, फिर इसकी ये जो ये झाग है ना ये हम उतार देते हैं ऊपर से, इसलिए कि इसके अंदर स्मेल अपनी दाल की होती है और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ हम इसको अपना बनाते हैं। और जो हमारे मेहरबान जो खाना खाने आते हैं वो इस दाल से भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये देसी घी में बनेगी और इसमें छोटा गोश्त वो जो होता है वो इसमें हम डालेंगे, इसका मसाला बनाएंगे, फिर भुनेंगे, फिर उसके बाद ये कम से कम 3 या 4 घंटे में ये तैयार होगी। इसके पकवान में किन चीज़ों को एहतियात की जाती है? जो इसके पकवान में सबसे ज़्यादा है ना जो वो जो है ना ये आग, इसके ऊपर इसको कम आंच पे हो तो ये सही पकेगा, अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ करेंगे तो हांडी आपकी ठीक नहीं पक सकती। ये कौन सी फिश है खान सर? ये एक सर्दियों की सौगात है जी, इस फिश का नाम है शंगारी। ये हम इसको अपना मसाले में बनाते हैं, कोरमा टाइप बनती है, लेकिन ये लाहौर में किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ खान बाबा रेस्टोरेंट पर ही है, ये लाहौर में इसको कोई बंदा पकाता ही नहीं हमारे अलावा। शंगारी ये देसी घी में पकेगी। और एक फिश और है वो खगे हैं, वो भी हमारे अलावा कोई नहीं बनाता। हाँ साहब ये बताएं कि ये जो कीमा मुख्तलिफ किस्म के कीमे पड़े हुए हैं ये किस किस चीज के हैं, इससे क्या बनता है? सारे एक तो कीमा है देसी मुर्गे का, ये आपको लाहौर में किसी के पास नहीं मिलेगा, वो है सॉल फिश है, वो भी दरिया की है, उसके नान भी बनते हैं, इसके नान भी बनते हैं देसी मुर्गे के भी, और ये मटन है, ये मटन के भी नान जो हमारे, ये तीनों स्पेशल हैं। और ये अपना अंडे और दूध से तैयार किए जाते हैं और देसी घी में तैयार किए जाते हैं। ये फिश के नाम तो पहली दफ़ा सुना है, फिश के नाम भी बनता है? हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली दफ़ा आपने सुना है, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है, जो कुछ अल्लाह की तरफ से, हमें शौक है अल्लाह की मखलूक को अच्छे खाने खिलाने का। जी खालिद खान साहब, आप खान बाबा रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। खान बाबा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लाहौर के दिल चुबुर्जी में वाके इस रेस्टोरेंट को हमेशा पजीराई हासिल रही है, तो इसका क्याम कब अमल में आया, तारीखी एतबार से ये किस नौवियत का रेस्टोरेंट है और खाने का आगाज़ आपने कहाँ से किया? अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी वालदा, 60 साल से हम ये काम कर रहे हैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद ने ये इकट्ठे काम शुरू किया था, वो खुद खाना पकाती थी और वालद साहब जो मेरे थे वो हमारा चुबुर्जी के अंदर ही रेस्टोरेंट था, चुबुर्जी के साथ ही, तो वो उधर ये पीछे पकाते थे, आगे वो बेच लेते थे। और ये देसी घी हम खाने तैयार करते हैं और बस नेक निश्ती से और मेहनत से हमने काम किया अपना, और जिस अल्लाह पाक ने हमें अरूज दिया। खान साहब आप उस वक्त किस उम्र में थे और आपने अपने बाबा खान बाबा को
किस स्टार्ट में देखा, तो आप क्या खिदमत सर अंजाम देते थे साथ साथ? जी मैं 10 साल का था जब से ये काम कर रहा हूँ, 10 साल का था जब से मैं काम कर रहा हूँ। वाले साहब जाते थे सब्जी सुब्जी लेने मंडी, और हम पीछे दोनों भाई काम करते थे। जब उन्होंने आना तो हमने साहब अपना आटा छुटा लगाया, हम वालदा साहब पका देती थी, हम आगे आते थे बेचने के लिए। छोटा सा अल्लाह बादशाह ने खोल बना दिया, उससे आके काम करते रहे, काम करते रहे। जो कुछ भी है रेसिपी है जो वो हमारी वालदा की है। वाह, मेहनत हमने खानों की रेसिपी है ये वालदा साहब, वालदा साहब का सारी जो जो भी बनता है ना इधर सब कुछ। सुना था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसका मतलब है कि खान बाबा के पीछे आपकी वालदा साहब का हाथ था? बिल्कुल, हमारी वालदा का और उसके बाद हमारे हल भाई का। सीधी बात है, ये मेरे भाई भी है, मेरे बाप भी है, सारा कुछ ये इधर करते हैं। हम दोनों भाई इकट्ठे काम करते हैं, तो माशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ऐसे रखे परवरदिगार, तो ऐसी सिलसिला चल रहा है। पर खाने का जो टेस्ट है, जो कुछ भी हम दाल बनाएं, चोल बनाएं, जो कुछ भी बनाते हैं ना, जो भी कौरमा हो गया, पालक मिश हो गया, सब कुछ निगमिश्ती से, और सारा कुछ हम देसी घी में पकाते हैं। तो डालडा का ऑर्डर आ जाए तो हम डालडा का ऑर्डर नहीं लेते, हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम ये सारा कुछ जो देसी घी, सिर्फ खान बाबा सिर्फ ओनली चुबुर्जी में ही है, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने इसका नाम रखा हुआ तो वो गलत है। अच्छा, यानी ये आपकी कोई इसकी सिस्टर ब्रांच नहीं है, कोई ना ही फ्रेंचाइज देते हैं आप, ना ही किस तरह का कोई मामला है? हम कुछ नहीं करते। अच्छा, और जो और अब हम इंशाल्लाह कैटरिंग में भी आगे स्टेप ले रहे हैं, और इंशाल्लाह कैटरिंग में भी हम विन करेंगे। जी अली अकबर साहब, आप छोटे साहब जाते हैं खान साहब के, तो कभी आपने अपने दोस्तों को भी यहाँ मधु किया है और इस स्टेज से आशना करवाया है? ज़रूर आते हैं वो, और उनको हम अक्सर बुलाते हैं, और हम उनको हम अक्सर बुलाते हैं, और वो हम मिलकर लुत्फ़ उठाते हैं अपने पकवान के जो है, और उम्मीद करते हैं कि और भी हम लोगों को बुलाएं और उनको खुश करें। बैरिस्टर हारून दुगल साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और खान बाबा पे खाना खाने आए हैं, तो खान बाबा के खाने की लजत जो है लाहौर की एक सिंबल है, कितना अरसे से ये खाना खा रहे हैं आप, इसके इससे आप क्या फील करते हैं टेस्ट के हवाले से? टेस्ट के हवाले से वो यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स के सामने लिखा होता है घर के बाहर घर जैसा खाना। सो जो खान बाबा की खासियत है वो ये है कि आपको अपने घर के खाने वाली अपनाइयत है, घर के खाने वाली लजत, और एक माहौल भी ऐसा है, चूँकि हम तो यहाँ पर काफ़ी देर से आते हैं तो सारा स्टाफ भी हमें जानता है, हमें आजी साहब के साथ भी अच्छे हमारे दोस्ती है, तो इनसे मुलाकात भी हो जाती है, वो बड़ा प्यार करते हैं, आप भी जानते हैं उनको, बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत हैं। और जब मैंने आना शुरू किया, ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 22-25 साल पहले की बात होगी, मैं उस वक्त यहाँ पे स्कूल में था, तो बल्कि कॉलेज में था, हम यहाँ पे खान बाबा के अंदर मेरा एक दोस्त है, तो वो उसने इफ्तार पार्टी की थी। अच्छा, उस वक्त ये रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा सा था, मैं सामने वो पहले वाला जो कमरा जिसको कन्वर्ट किया उन्होंने हॉल में, वहीं पे वो किचन भी था, और वहीं पे वो कुकिंग हो रही होती थी, और वहीं पे वो खाना सर्व करते थे, तो उस वक्त देसी मुर्ग बड़ा मशहूर था खान बाबा, तो अभी भी हम आके ये खाना इनका एंजॉय करते रहते हैं, बाकी चीज़ें भी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जो बिलखसूस जो दो तीन चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं वो इनके देसी मुर्ग, ये जो गुड़ वाले चावल हैं, तो जो हमारा एक ट्रेडिशनल खाना है, जब भी खाना हो हम लोगों ने तो हम खान बाबा पे आते हैं, और एक हमारा हाईकोर्ट से बिल्कुल करीब है, तो आने में भी तकलीफ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।